السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أحمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفكه قولي لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما تمام كسمك تاريف توصيف حمد وسناه किब्रियाई और बुजुर्गी के तमामज़ा कलीमत अल्लाह हजुलजल वली कराम की ज़ात के वास्ते ख़ास हैं अल्लाह ताला के आखिरी नबी नबियों के इमाम सरताजर रसूल रसूल, हज़रत महमदरसूल्ला सल अल्लाह वाल वसलमा की ज़ात एक दस वतहर पर लातादाद बेशुमार दरूद सलाम हूँ रबालमीन ने आपको रहमत आमीन बनाकर मबूस फरमाया और आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पैगाम उस तरह पहुंचाया जिस तरह पहुंचाने का हक़ था नाजरीन आज पंद्रह रमज़ानुल मुबारक है आज जो हमारी हुकूक सीरीज़ है उसका आज का जो सबक़ है वो है हुकूक जोज यानी बीवी के ज़िम्मे जो खावंद के हकूक़ हैं इस्लाम में खावंद और बीवी पर जो जिम्मेदारियां आयद की गई हैं उनमें से कल हमने बीवी के हकूक बयान किए थे जो खावंद के ज़िम्मे थे आज हम खामंद के हकूक़ बयान करेंगे जो बीवी के ज़िम्मे हैं लेकिन उससे पहले हम अपने कुरान के आज के सबक़ की जानब बढ़ेंगे वाली कुरान जो हमारी किताब है इसमें कुल मिलाकर पंद्रह सबक है आज इसका आखिरी सबक है आज के सबक में हमने जो पढ़ना है वो तीन चीजें हैं फाइलुन है मफ़ूलुन है और पेशमू है लेकिन इस सबक को पढ़ने से पहले हम एक नजर डालेंगे जो कल हमने सबक पढ़ा था सबक नंबर चौदह यानी उसमें हमने अलामत बाजर बी के हवाले से बात की थी कि बाजरबी का तर्जमा कभी से साथ होता है कभी काकी के को होता है कभी पर होता है कभी बसब बबजा या बजरिया किया जाता है और कभी बाजरबी का तर्जमा बदले में किया जाता है और नफ़ी वाले लफ्ज़ के बाद अलामत बा के उर्दू तर्जमा की ज़रूरत नहीं होती अलबत्ता उससे बात में ताक़ीद पैदा हो जाती है आज जो हम आपको सामने सबक रखने जा रहे हैं वो है फाइलुन मफ और मीम पेशमो बुनियादी तौर पर ये तीन स्केच हैं, तीन ढांचे हैं तीन सांचे है। आप देखें फाइलन फाइलुन एक डाई का नाम है जिस तरह के कि इस सांचे में हम किसी भी इसम को डाल देंगे तो उसमें काम करने वाले का मफहूम होगा फाइलुन काम करने वाले को कहते हैं अब इस वजन पर या इस सांचे में या इस डाई में जिस भी इसम को हम डालेंगे उसमें ये वाला मफहम शामिल हो जाएगा इसकी मिसाल देखें आप जरा जैसे एक लफ्ज है खलकुन अब खलकुन को हमने फाइलुन के सांचे में ढालना है तो वो क्या बनेगा खलकुन से खालीकुन पैदा करने वाला यानी फाइलुन वाले सांचे के अंदर हमने इसको डाल दिया है इसी तरह हम जुल्म को फाइल के सांचे में डालेंगे तो वो क्या बनेगा जुल्म से जुल्म करने वाला इसी तरह शुक्र को अगर हम फाइल के सांचे में डालेंगे तो क्या बनेगा शुक्र से शाकिरुन शुक्र करने वाला इसी तरह सब्र को अगर हम फाइल के सांचे में डालेंगे तो क्या बनेगा साबिरुन, सब्र करने वाला और कत्ल को डालेंगे फाइल के सांचे में तो क्या बन जाएगा कत्ल करने वाला तो गोया फाइल के सांचे में ढले हुए इसम में काम करने वाले का मफहम होता है जैसे खलकुन से जुल्मुन से जालिमुन और शुक्रुन से शाकिरुन और सबरुन से साबिरुन और कतलुन से कातिलुन इसी तरह एक और आप देख लें साइलुन सवाल करने वाला आमिलुन अमल करने वाला सच बोलने वाला काजिबुन झूठ बोलने वाला दाखिलुन। दाखिल होने वाला ये हमारे सामने पांच कलिमात हैं, पांच असमा हैं। ये पांचों के पांचों फाइल के सांचे में ढले हुए हैं तो फाइल के सांचे में ढले हुए इसमें करने वाले का मफहूम शामिल होता है इसी तरह अब आप देखें एक दूसरा जो सांचा है वो है मफुल इस सांचे में ढला हुआ इसम उसे जाहिर करता है जिस पर काम वाक हुआ हो यानी ये हमारी उर्दू में भी हम फाइल करने वाले को कहते हैं मफूल जिस पर काम हुआ हो कहते हैं तो अब हमने जिस तरह फाइल के सांचे में अल्फाज को ढाला था उसी तरह मफूल के सांचे में आप जरा अल्फाज को ढालने की कोशिश करें वहां हमने खलकुन से जब फाइल के सांचे में ढाला था तो क्या बना था खालिकुन अब आप खलकुन से मफूल उनके सांचे में ढालें तो क्या बन जाएगा खलकुन से मखलूकुन पैदा किया हुआ जुलमुन से मजलूम जुल्म किया हुआ मन उनसे ममून मना किया हुआ और लानुन से मल लानत किया हुआ और कतलून से मक अच्छा जब हमने फाइल के सांचे में कतल को डाला था तो क्या बना था कतल से कौतलुन बना था अब हमने मफ के सांचे में डालना है तो कतल से क्या बन जाएगा मफ क्या बन जाएगा मक तो यहां भी हमारे सामने पांच असमाय हैं ये पांचों के पांचों मफूल उनके सांचे में हुए हैं तो जब ये मफूल उनके लफ्ज ढलता है तो उसमें जिस पर काम किया हो उसका मफहम शामिल हो जाता है जैसे मसहूर जादू किया गया हुआ मगजूब गजब किया गया हुआ मसऊल पूछा गया हुआ मजरूब मारा गया हुआ और लिखा गया हुआ यहां तक तो दो सांचे हमने पढ़ लिए कि फाइल के सांचे में ढले हुए सब में क्या मफूम होता है करने वाले का और मफूल के सांचे में ढले हुए सब में क्या मफूम होता है जिस पर काम किया गया हो अब देखें हम इसको थोड़ा सा फर्क करते हैं यानी हमने खलकुन से फाइलुन बनाना हो तो क्या बनेगा हो तो क्या बनेगा मखलूक बनाना हो तो क्या बनेगा अगर जुल्म से मफुल बनाना हो तो क्या बनेगा मजलुम इसी तरह उन से फाइल बनाना हो तो क्या बनेगा शाकिर और मफहुल बनाना हो तो मशकूर वगैरह 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 अब आ जाए आप आज के सबक के अंदर जो तीसरी चीज है वो है हैीम पेश मुँह के अंदर भी फाइल उनका और मफूल उनका मफहूम शामिल होता है लेकिन उसके इस्तेमाल की दो सूरतें हैं आप जरा अपनी स्क्रीन पर देखें अगर किसी इसम के शुरू में पेश वाला मीम हो और आखिरी हरफ से पहले हरफ पर जेर हो तो ऐसा इसम काम करने वाले को जाहिर करेगा यानी फाइलोन का मफहम होगा उसमें अब स्क्रीन पर देखें नाजरीन जैसे मुह सी नोन एहसान करने वाला इसम के शुरू में मीम पेश मोह और आखिरी हरफ से पहले हरफ के नीचे जेर आ गई तो इसमें भी फाइलुन वाला मफहम है यानी काम करने वाले का मफहम है दूसरी मिसाल देखें, मुसली मुन मुस्ली मुन इस्लाम लाने वाला ईमान लाने वाला मुजरिमुन जुर्म करने वाला और मुजाहिदुन, जिहाद करने वाला क़लिमात हमारे सामने हैं इसमें भी करने वाले का मफहम है लेकिन उसकी दलील और निशानी क्या है कि इसम के शुरू में भी पेश और आखिरी हरफ से पहले हरफ के नीचे जेरो तो उसमें भी करने वाले का मफोम शामिल हो जाता है अच्छा जी अब आ जाए आप इसम के शुरू में मीम और आखिरी हरब से पहले हरब के ऊपर जबर हो तो उसमें जिस पर काम हुआ हो उसका मफहम होगा यानी मफूल उनका मफोम उसमें शामिल हो जाएगा जैसे कि मुहमद तारीफ किया गया हुआ मुक इज्जत किया गया हुआ साल भेजा गया हुआ मोह तारोन एहतराम किया गया हुआ तो समझ के आई हमें कि अगर इसम के शुरू में नीम पेशमू आखिरी हरफ से पहले हरफ के ऊपर जबर हो तो उसमें किया गया हुआ का मफूम होता है हराम किया गया हुआ, मुखराजुन निकाला गया हुआ अगर यहां होता मुख रिजुन तो क्या दर्जमा होना था निकालने वाला इसम के शुरू में आखिरी अरब से पहले अरब के ऊपर जबर हो तो उसमें किया गया हुआ का मफोम शामिल होता है और इसम के शुरू में मेंशमु आखिरी अरब से पहले हरब के ऊपर ज़ेर हो तो उसमें करने वाले का मफोम होता है जैसे मुद्द खाल दाखिल किया गया हुआ हाजिर किया गया हुआ मुंजार मोहलत दिया गया हुआ अजाब दिया गया हुआ। गर्क किया गया हुआ। तो ये था हमारा सबक नंबर पंद्रह इसमें हमने फाइलुन का सांचा पढ़ा जिसमें काम करने वाले का मफहम होता है मफ़ऊलुन का सांचा पढ़ा जिस पर काम हुआ हो उसका उसमें मफहम होता है फिर हमने पढ़ा इसम के शुरू में और आखिरी पहले हरफ के ऊपर जेर हो तो उसमें काम करने वाले का मफहम होता है और इसम के शुरू में आखिरी हरफ से पहले हरफ पर जबर हो तो उसमें जिस पर काम हुआ हो उसका मफहम होता है तो मोज नाजरीन इसके साथ हमारा मुल्कुरान जो है शार्ट कोर्स जो हमारा है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तकमील को पहुंचता है कुरान के जहां पंद्रह सबक मुकम्मल हुए हैं वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अलहद कुरान भी अल्लाह के फजल से मुकम्मल हो चुका है अब हम बढ़ते हैं अपनी हकूक सीरीज के आज के इस आखिरी सबक की जानब जिसमें हमने हकूकुल्ला की बात की थी हकूकुल वालदान की बात की थी हकूक औलाद की बात की थी हकूक जोजा की बात की थी और आज पांचवें सबक में हम हकूक जोज यानी मर्द के खामद के हकूक जो उसकी अहलिया मोहतरमा के ज़िम्मे हैं उसकी बात इनशा रमन आज हम करेंगे तो हम बढ़ते हैं अपनी आज की कुरानी आया की जानब निसा की आया नंबर थर्टी फोर है चौंतीस नंबर आया मुबारक है तो पहले हम उसकी तिलावत कर लेते हैं फिर इनशालामान हम Uh, उसके एक एक लफ्ज का इंशाला तर्जमा पढ़ने की कोशिश करेंगे الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب. حافزات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا अब हम इसका लफजी तर्जमा पढ़ते हैं अर्रिज़ालू मर्द मुना वो सब हाकिम है यानी जो मर्द हैं वो हाकिम है किन पर परिस औरतों पर कवि हैं, ताकतवर हैं, गालिब हैं, हाकिम हैं, बीमा इस वजह से जो फ़ज़ीलत दी है अल्लाह ने बाज़हुम उनके बाज़ को बाज़िन बाज़ पर यानी ये जो फलत है अल्लाह ताला ने जो दी है मर्दों को ये इसमें मर्दों का कोई कमाल नहीं है ये अल्लाह की अता है ये अल्लाह का फजल है ये अल्लाह का करम है तो ये अल्लाह ने फजीलत दी है जो हाकिम अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर बनाया है वह भी माँ और इसकी दूसरी वजह ये है और इस वजह से जो अन उन सब ने खर्च किया अपने मालों से यानी एक तो उन्हें अल्लाह ने हाकिम बनाकर फजीलत दी है दूसरा वो खर्च करते हैं अपने मालों से इस वजह से भी उनकी फजीलत है भाई फसालिहातु बस नेक औरतें कानितातुन फरमा बरदार होती हैं जो नेक औरतें होती हैं वो अपने खामदों की फर्मा बरदार होती हैं अब यहां जो समझने वाली बात है वो ये है कि नेक औरत की जो खूबी बयान की है वो फर्मा बरदारी है कि वो अपने खामन की हो। और साथ साथ क्या करे हाफिज़ातुन हिफाजत करने वाली होती हैं। लिल गईबी अदम मौजूदगी में बीमा अल्लाह।

उनकी सरकशी से फाइजू हन्ना तो तुम सब समझाओ ने वह जुरू हन्ना नहीं समझती हैं तो तुम सब छोड़ लो तन्हा तनहा फिल्म बिस्तर में बिस्तरों में वजरी भू अगर फिर भी नहीं समझती हैं तो अब आखिरी स्टेज क्या है तुम फिर उन्हें हल्का फुल्का तंबी के तौर पर मारो और तुम सब मारो उन्हें अब अगर उन्हें समझ आ गई है वो नसीहत हासिल कर चुकी हैं fa in ata'nakum फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करें फरमाबरदारी करें फला तबغوا अलैहिम सबीला तो ना तुम सब तलाश करो उन पर ज्यादती का रास्ता एवें फिर उन पर ज्यादती करना एवें उनको सज़ा देना और एवें उनको फज़ूल में तंग करना ये फिर अगर वो फरमाबरदारी करें तो फिर तुम इस तरह का काम ना करो इन अल्लाह बेशक अल्लाह कबीरा है बाला और बहुत बड़ा अकबर अब आज की हमारी इस गुफ्तगु में जो हमारे मुखातिबीन हैं जो जिनको हम ज्यादा एड्रेस कर रहे हैं तो ओवरऑल सबको ही कर रहे हैं हमारी नाजरीन में से हमारी वो इस्लामी बहनें बेटियां वो हमारी रूहानी माए वो इस मसले को समझने की कोशिश करें कि जो औरत अपने खामत की फरमा बर्दारी करती है ये कोई मामूली बात नहीं है ये बड़ी इज्जत की बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत का खामंद होता है ये उसके लिए जन्नत भी है उसके लिए जहन्नुम भी है अब ये मेरी उस बहन और बेटी ने फैसला करना है कि उसने अपने खाम की इताद करनी है उसने अपने खामद की फर्मा बरदारी करनी है और उसने जन्नत में जाना है या उसने जहन्नुम में जाना है तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अपने खामद का ख्याल किया करो फ इन्ना जन्नतों की व नारों की उसकी फरमा बरदारी करोगी तो तुम्हारी जन्नत है उसकी नाफरमानी करोगी तो वो तुम्हारी दो अब जब ये समझ लिया जाए कि ये मेरी जन्नत है है ना कैसी अजीब बात कि कोई औरत वारफगी के आलम में अपने खामद को कहे कि जनाब आप तो मेरी जन्नत है खावंद के लिए यही एजाज काफी है हाँ जी वो तो मतलब हशाश बशाश हो जाएगा उसके गम भी गलत हो जाएंगे और ये कोई आम बात नहीं अल्लाह के नबी का फरमान है अल्लाह के का फरमान है तो औरत को चाहिए कि वो इस मसले को समझे उसका इज्जत, उसका रुतबा अपनी जगह पर उसके हकूक अपनी जगह पर लेकिन अगर वो जन्नत की खाहा है, अगर वो जन्नत की तलबगार है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत अपने सामने रखे कि आपने फरमाया फा हुआ जन्ना तो नारू की वो तेरी जन्नत भी है और वो तेरी जहन्नुम भी है अब उस हमने अपनी जन्नत को कैसे हासिल करना है जन्नत वो थोड़ी होती है जिसमें बात बात पर आपस में बंदा जाए। जन्नत वो थोड़ी होती है, होती है। उसमें बंदे की तबीयत को करार होता है उसमें बंदे की तबियत को सुकून होता है आप एक और हदीस मुलाजा फरमाए ये जो औरत अपने खामत की फजीलत अपने खामत की इता करती है फरमा बरदारी करती है अल्लाह अकबर उसकी फजीलत पता क्या है अल्लाह अकबर। हदीस फरमाई सन बयान फरमाते हैं अल्लाह के नबीम ने फरमाया नमाज अदा करे वसामत शह रहा रमजानुल मुबारक के फर्ज रोजे रखे वह हफिजत फरजहा अपनी शर्मगा की हिफाजत करे वह अता और अपने खामत की इतात करे अपने खामत की इतात करे देखें ये मुश्किल काम है कोई आसान काम नहीं है मुश्किल काम है लेकिन इसकी फजीलत मुलाज़ा करें कि आमत का दिन होगा वो अपने खामत की फर्मा बरदारी करने वाली औरत को कहा जाएगा उसको कहा जाएगा उन्नतमिन अबाबिल जन्नति शे तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहती है जन्नत में दाखिल हो जा जरा महसूस करें इस 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 बात 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 को, के ऊपर ध्यान दें और इस बात का मजा लें। ये कितनी अजीम शान बात है ये कितनी कितनी फजीलत वाली बात है कि अल्लाह सुबहाना की तरफ से क्यामत वाले दिन ये ऐलान किया जाएगा तो मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बहन मेरी रूहानी माँ इस मसले को समझने की कोशिश करें कि ये जो खामद होता है इसकी फर्मा बरदारी किस कदर जरूरी है और उसकी फर्मा बरदारी का इनाम और फजीलत कितनी बड़ी है मैं जो औरत अपने खामद की ताद करती है उसको कहा जाएगा हो सकता है बस औकात खामद भी इंसान होता है ना हर वक़्त तबीयत एक जैसी नहीं होती वो गुस्से में जज्बात में कभी आपको कुछ बोल दे तो आपके जिम्मे उसकी इतात है। अपनी जन्नत को सामने रखें वो जन्नत के दरवाजे सामने रखें वो जन्नत का माहौल सामने रखें, कोई बात नहीं है ये वक्त गुजर जाएगा, ये लम्हात गुजर जाएंगे ये घड़ियां खत्म हो जाएंगी लेकिन आपको इतात के बदले में जो मुकाम मिलना है जो इज्जत मिलनी है जो कदर मिलनी है उसको महसूस तो करो ये उसको कहा जाएगा उदखलिल जन्नता मिन अय्यब वाबिल जन्नति शिति ये इजाज ये रुतबा ये इज्जत ये तौकीर कैसे मिली अपने खामद की फरमा बरदारी पर अपने खामद की इज्जत पर अपने खामद की इताअत पर और अपने खामद की तौकीर करने पर और औरतों में से कौन सी औरत अफजल है देखें आज जमाना जो है लोग देखा देखी फैशन की दुनिया है लोग एक दूसरे से अच्छा दिखने के लिए फैशन करते हैं डिजाइनिंग करते हैं लेकिन जरा देखें दुनिया तो बाहर गुजर जाएगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबान से जिस औरत को अफजल होने की बशारत दी गई है मेरी बहनों देखो ये मौका है आप छोड़ दें जो कुछ हो चुका है आप अपने आप को अफजल साबित करने की कोशिश करें और ये जो अफजलियत के मुकाम पर पहुंचना होता है ये कोई आसान नहीं होता है आप इसकी एक मिसाल में दिया करता हूं अक्सर ये जो फूल होता है फूल आप जब गुलाब का फूल तोड़े तो उसके दामन में कांटे तो होते ही है ना ये नहीं हो सकता कि आप फूल भी तोड़े और आपको कांटे बना चुबे आप इज्जत का रास्ता भी इख्तियार करें और आपको ओए तोए भी ना हो आप इज्जत का रास्ता और अफजलियत के रास्ते पर भी चलें और आपको लानत मलामत भी ना हो ये जरा सख्त लफ्ज बोल गए है हो सकता है कभी आपको झिड़क दिया जाए हो सकता है कभी आप राइट पर हो आप हक पर हो आपकी मुखालफत कर दी जाए लेकिन आप अपनी मंजिल को सामने रखें कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली हुई उस उस बशारत के मुस्तहिक बनना चाहती हूं कि जब आपसे पूछा गया अयुन्निसाई खैरुन अयुन्निसाई खैरुन औरतों में से अफजल औरत कौन सी है तो आपने पता क्या है? इर्शाद फरमाया अल्लातीसुरु इज़ा नज़ारा, अल्लती तसुरु इज़ा नजारा वो अपने खामद को खुश कर दे जब उसका खामद उसको देखे इंसान है ना औरत भी इंसान है हर वक्त मुस्कुराहट नहीं आ सकती चेहरे पर दुख होते हैं कोई अपनों के दुख होते हैं कोई और किस्म के दुख होते हैं तकलीफें होती हैं लेकिन आप जरा देखिए जब आपका खावंद घर पे आए आपका खावंद आपको देखे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को सजा लेना अपने होंठों पर तबस्सुम को बखेर देना अल्लाह के नबीला ने फरमाया औरतों में से बेहतरीन औरत वो है जब उसका खामंद उसको देखे तो खुश हो जाए कमाल है भाई और वह तु ती अमारा और जब वो उसको कोई हुक्म दे तो उसकी बीवी उसको कही हाजिर जनाब हाजिर जो आपका हुक्म सर आंखों पर सर तस्लीमे खम वाला तु खालिफी नफसीहा व मालिहा बिमा यक रहू और वो उसकी मुखालफत ना करे ना उसके मुंह पर ना उसकी अदम मौजूदगी में उसके हुक्म की मुखालफत ना करे जो उसने काम कर दिया है उसको नापसंद भी ना करे काम बड़ा मुश्किल है काम मुश्किल है लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि इसके पीछे सनत बहुत बड़ी है इनाम बहुत बड़ा है अन्न सा औरतों में से बेहतर कौन सी है तो औरतों में से बेहतर वो औरत है जो अपने खामत को खुश कर दे जब वो उसको देखे हो सकता है हकीकत में सर दर्द हो, हो सकता है हकीकत में कोई तकलीफ हो हो सकता है हकीकत में कोई सदमा हो, हो सकता है हकीकत में कोई ऐसी आफत आई हो लेकिन जब आपका खामद आए एक लम्हे के लिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए इस अफजलियत के रुतबे पर फायज होने के लिए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट को सजा देना जब वो हुक्म दे उसकी इतात को बजा लाना उसके हुक्म की मुखालिफत न करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया ऐसी औरत जो है वो तमाम औरतों से अफजल है मैदान खुला है आपने अफजल बनकर दिखाना है जैसे खवतीन खुशी गमी के त्यौहारों पर खुशी के त्योहारों पर एक दूसरे को मर्द हजरात अपने लिबास दिखाते हो तो आज तो आप बहुत जबरदस्त भाई बड़ा शानदार लिबास है बड़ा शानदार गाउन है आज बड़ा शानदार अंगूठी बड़ी शानदार है तो इसी तरह अगर आप अफजलियत के मुकाम पर फायज होना चाहती हैं तो फिर यह नुस्खा अपना लें जब आपका खाउद आपको देखे तो आप उसको खुश कर दे और उसकी फरमा बर्दारी करे जब वो उसे हुक्म दे और अपने नफ्स और माल में उसकी खिलाफ वर्जी ना करे जिससे उसका खामद ना पसंद करे और इसका दूसरा पहलू के हो सकता है कोई औरत देखे नहीं, नहीं कोई बात नहीं है हमारी इक्वल राइट्स हैं नहीं खामद की ना फरमान औरत की नमाज कबूल नहीं होती है खामद की ना औरत की नमाज कबूल नहीं होती है खामद की ना औरत की नमाज कबूल नहीं होती है आप खामद को नाराज करके उसकी नाफरमानी करके जितनी मर्जी तहज पढ़े जितनी मर्जी तस्वी पढ़े जितने कोई कबूल नहीं होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती है उनमें एक भागा हुआ गुलाम है यहां तक कि वापस लौट आए और दूसरा उसमें ऐसा इमाम साहब है जिसके लोग उसको नापसंद करते हो और तीसरी वो औरत है कि वो अपने खा, उसका खामत उस पर नाराज है और वो उसी हालत में सो गई है तो वो रात को तहज ही क्यों ना पड़े उसकी नमाज को बोलनी होगी अब खामद नाराज हक पर होना चाहिए सुखा नाराज ना होना चाहिए तो ये औरत और मियाँ और बीवी का मामला है कि उसको चाहिए कि वह अपने खामत को राजी करे और बीवी जो है वो खामद की इजाजत के बगैर नफली रोजा भी ना रखे सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है बनाया किसी औरत के लिए जायज़ नहीं है कि उसका घर उसके उसका शोहर उसके घर में मौजूद और वो नफली रोजा रखना चाह रही है नहीं तो आप इस हदीस के अंदर जो मानवीयत है इसके अंदर जो गहराई है उसको समझने की कोशिश करें और बीवी खामद के माल और उसकी जायदाद की मुहाफिज है बीवी खामद के माल और उसकी जायदाद की हिफाजत है अल्लाह के नबी जो आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था उसमें क्या फरमाया था

ये तरीकी बात है हमारे उस्ताद साहब एक बात सुनाया करते थे वो कहते हैं औरत को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है औरत को अल्लाह ने कितनी ताकत दी है वो फिरौन जैसा सरकश आदमी जिसने एक बच्चा पैदा ना होने देने के लिए लाखों बच्चे कत्ल करवा दिए थे मशीयत अल्लाह की थी कि मूसा पैदा होगा लेकिन वो फिरौन की बीवी ने उसको कहा फिर जैसा सरकश आदमी बीवी के आगे ढेर हो गया भाई तो हम तो फिर जितने नौजिला नहीं है ना तो मतलब ये कि बीवी के पास वो ट्रिक मौजूद होता है उसके पास वो गुर होता है अब उसको इस्तेमाल करना आए या ना आए तो वो आप मतलब खामन की राय मालूम करना उससे पूछना कि जी ये मैं चीज खर्च करूं ये मैंने फैलाऊ उसने कहा ठीक है जी दो जनाब कोई बात नहीं है इसमें आपकी खुशी है तो हमारी भी खुशी है और खामद का हमेशा औरत को शुक्र गुजार रहना चाहिए की नशुकरी औरत की तरफ अल्लाह तजर से नहीं देखेगा अल्लाह के नबीला उस औरत की तरफ अल्लाह तला क्या दिन नजर राहमत से नहीं देखेगा तो अगर अल्लाह की राहमत की तलब है क्या वाले दिन अल्लाह की रहमत की तलब है तो अपने खामदों का शुक्रिया अदा करो अपने खामदों की फर्मा करो अपने खामदों की इताद करो और खामद का रुतबा पता है कितने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आदमी को जायज़ नहीं है कि वो किसी दूसरे आदमी को सजदा करे अगर ये जायज़ होता किसी बंदे का किसी बंदे को सजदा करना जायज होता तो मैं हुक्म देता औरत को कि वो अपने खामत को सजदा करे क्योंकि उसकी अजमत बड़ी है खामत की अजमत बड़ी है उसका मुकाम और मरतबा बड़ा है और इसी तरह कुछ मुश्तरका हकूक है हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं कि देखें हुन्ना लिबास लिबासना ये एक दूसरे का लिबास है मियाँ और बीवी एक दूसरे का पर्दा है तो इनको एक दूसरे की इज्ज़त और नामूस से ख्याल करना चाहिए एक दूसरे की राजों को तन्हाइयों की बातों को अफशा नहीं करना चाहिए उसको दोस्तों में भाइयों में बहनों में बैठकर डिस्कस नहीं करना चाहिए फरमाया मंजिलान योम अल्लाह के नज़दीक मकाम और मरतबे के अतबार से सबसे बदतरीन वो बंदा होगा जो अपनी मियाँ और बीवी की तनहाई की बातों को अफशा करता है तो ये मुश्तर का बात है और फिर बीवी को खामद का गम गुसार और वफादार होना चाहिए इस बात को समझने की कोशिश करें इस बात को समझें और मॉडल के तौर पर उम सदा खदीजतुल्कुब्र रजी अल्लाह नहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और ये वो सदा खदीजतब्र रजी अल्लाह तहा है कि अल्लाह के नबी सल सारी जिंदगी इनके फौत होने के बाद भी उनका ख्याल रखते रहे उनकी सहेलियों के घर सालन बन जाता तो उनकी सहेलियों के घर भेजते सईदा खदीजा ने गम गुसारी इस तरह की हमदर्दी इस तरह की दिल जोई इस तरह की अल्लाह के नबी की पाकिजा सीरत के खूबसूरत वाक्यात में से खूबसूरत वाकत की स्मारतों की नजर करता हूँ उम्रीन सईदा आय शारदी अल्लाह तदीस को रवायत करती हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाजल हुई तो आपकी कैफियत बड़ी अजीब हो गई तो आप जब घर तशीफ लाए सईदा खदीजा के पास आए तो आपने कहा जम मिलूनी मुझे कंबल उड़ा दो मुझे कम्बल उड़ा दो तो सईदा खदीजा ने आपको कम्बल उड़ा दिया हती कि आपका कुछ बुखार हल्का हो गया तो आपने सईदा खदीजा को कहा खदीजा तू ए खदीजा माली लकदी तो अला नफसी मुझे पता नहीं क्या हो गया है मैं मुझे अपने आप का गम खाए जा रहा है तो आगे से पता है फिर सईदा खदीजा ने क्या कहा अल्लाह अकबर देखें मॉडल के तौर पर अगर आप रोल मॉडल बनाना चाहती हैं तो सईदा खदीजा को बनाएंगे किस तरह गम गुसारी की कोई पता नहीं था कि ये असल बात क्या है लेकिन सईदा खदीजा ने पता क्या कहा कहा कल्ला अब शिर अल्लाह की कसम आपके लिए बशारत है कोई बात नहीं है लाखी कल्ला ला हुआ बदा फवल्ला अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा क्यों इन ग ल तसिलुर आप सिला रेमी करते हैं व तजदुकुल हदीसा आप सच बोलते हैं व तहमिलुल कल्ला आप लोगों का बोझ उठाते हैं व तकसिबुल मादुमा आप गरीबों की खिदमत करते हैं व तकरि ज़ैफा आप मेहमानदारी करते हैं व तुइन वाला नवाई बिल हक और अल्लाह के रास्ते में जिन लोगों पर मुसीबत आती है आप उनकी मदद करते हैं तो अगर सय्यदा खदीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई की है तो किरदार भी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके सामने था ना तो सईदा खदीजा ने कहा लंबी बात है जो हमारे मतलब की है वो ये है कि सगीदा खदीजा ने रसूल अलैहि वसल्लम की दिलजोई की आपकी ढारस बनाई आपका हौसला बढ़ाया आप सल्लल्लाहु वसल्लम को आप सल को कोई बात नहीं आप परेशान न हो ये कैफियत है ये खत्म हो जाएगी अल्लाह सुबहान आपको कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा तो मियाँ और बीवी का जो हसीन रिश्ता होता है मियाँ और बीवी का जो बड़ा मोहब्बत भरा रिश्ता होता है इसके अंदर अगर बाहमी अंडरस्टैंडिंग हो अगर बाहमी उल्फत हो तो इस जैसी उल्फत और मोहब्बत और सुकून किसी जगह पर है नहीं है आखिर में आज का सबक इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं रबाना हबलाना मिन अजवा जीना वजुर्रियाना वजालनामतकीन इमामा और आज आपसे ख़ास दुआ करवानी है कल भी दुआ करवाई थी हमारे दोस्त हैं मोहतरम आबिद हमीद भाई उनकी वालिदा गुज्त दो ढाई वहाँ से बीमार थी आज वो इस दार फानी से कूच कर चुकी हैं फौत हो गई हैं अब ये दो बजे उनका नमाज जनाजा था आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें अल्लाह सुबहान तफ़रत फरमाए और भी जितने हमारे फ़ोत शुदगान हैं अल्लाह ताली उनकी मफ़रत फरमाए अल्लाम फ़िर वलमौमिन वमौमिनत वलमुसलिवलमसलिमात अल्लामलमवात अल्लाह तै हमारे तमाम बीमारों को शिफाई कामिल आजलाता फ़रमाए अल्ला परेशान हालों के परेशानियाँ दूर फ़रमाए दुखियों के दुख दूर फ़रमाए मुसीबत जदों की मुसीबतें दूर कर दे मोहताजों को गनी कर दे फ़कीरों को सखी कर दे रबा ना आतियाना फ़िदुनिया हसन वफ़ीआरत हसन وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.